इंडिया जो नाम से अब इन्होंने किया है चालू, जी विपक्ष का दल है, यही निकलेगा इंशाल्लाह। ये अच्छा आपको लग रहा है भारी पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें कई सूबों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार देश की हवा बदलने वाली है। आपको लग रहा है ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, सफल हो पाएंगे? बदलना चाहिए, हर हाल में बदलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक परेशान है, आवाम परेशान है, बदलना चाहिए, बदलना जरूरी है। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? हाजी जुबैर अंसारी। आपको क्या लग रहा है, देखिए 9 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है 9 सालों का कार्यकाल, इन 9 सालों में कोई बेहतर काम हुए हैं? एक काम तो हुए, ऐसा नहीं है काम नहीं हुए, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे दूर है भाई, ज़मीनी स्तर पर काम नहीं है। राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर अगर बात की जाए तो? ठीक हैं वो भी, कोई मतलब सही लगते हैं मुझे वो भी, बट मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अली नाम है मेरा। दिल्ली से? जी दिल्ली से हैं। अच्छा देखिए 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, आपको क्या लग रहा है इस बार देश का माहौल क्या है? माहौल तो बहुत गंदा कर रखा है जी, इस वक्त हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा काम ही नहीं, बस यही माहौल है। ये जो विपक्ष का गठबंधन हुआ है 26 दलों का, और दूसरी ओर एनडीए का भी गठबंधन है, लग रहा है आपको इस बार जो लड़ाई है वो गठबंधन वर्सेस गठबंधन की है, और क्या लग रहा है कौन सा भारी पड़ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया जो नाम से अब इन्होंने किया है चालू, जी विपक्ष का दल है, यही निकलेगा इंशाल्लाह। ये अच्छा आपको लग रहा है भारी पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें कई सूबों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार देश की हवा बदलने वाली है, आपको लग रहा है ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, सफल हो पाएंगे? बदलना चाहिए, हर हाल में बदलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक परेशान है, आवाम परेशान है, बदलना चाहिए, बदलना ज़रूरी है, नहीं बदलेंगे तो पता कैसे लगेगा, नहीं तो वो तो अपनी मनमानी करते रहेंगे लोग। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं संसद में भी कहा, अभी लाल किले से भी कहा कि हम तीसरी बार भी सरकार रिपीट करने वाले हैं, विपक्ष का जो गठबंधन है वो आगे भी तैयार रहे अविश्वास प्रस्ताव के लिए, क्योंकि ये इनको करना ही पड़ेगा। कहने को तो हर आदमी अपनी जीत बताएगा, अपने आप को गलत नहीं बताएगा, अपनी जीत बताएगा, गंदा भी है तो वो अपने आप को अच्छा बताएगा। तो आपको लग रहा है कि ये जो 9 सालों का कार्यकाल है, 9 सालों के कार्यकाल में ऐसे काम हुए या नहीं हुए? काम आवाम के लिए तो नहीं हुआ, इन्होंने अपने लिए करें जो भी किए हैं, अपने नाम के लिए किए हैं, बाकी आवाम के लिए कुछ नहीं हुआ। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? हाजी जुबैर अंसारी। आपको क्या लग रहा है, देखिए 9 सालों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है 9 सालों का कार्यकाल, इन 9 सालों में कोई बेहतर काम हुए हैं? एक काम तो हुए, ऐसा नहीं है काम नहीं हुए, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे दूर है भाई, ज़मीनी स्तर पर काम नहीं है। गोदी मीडिया में बहुत काम है जो किया गोदी मीडिया ने, लेकिन आवाम तक नहीं पहुंचा वो, तो इसको मतलब कहने की तीसरी बार आए चौथी बार आए, इससे पब्लिक का भाई मसला हल होना चाहिए, पब्लिक का आवाम का, रोजगार का, बेरोजगारी का। ये अच्छा, आपको लग रहा है जो दावा किया जा रहा है बार बार कि हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं, इसमें कोई दोहराई ही नहीं है, लग रहा है ये दावा इनका सफल भाई? बेहतर है करें, कोई मसला नहीं है, वो अगली बार भी करें, उससे अगली बार भी करें, कौन मना कर रहा है? एक जनता की तरफ आपको क्या लगता है, क्या माहौल क्या है सरकार रिपीट भाई? माहौल तो अभी जनता डिसीजन लेगी तो उसमें माहौल तो चेंज होना ही है भाई, इसमें अभी जनता खुद असमंजस में है कि हमें 2024 में करना क्या है, अभी गठबंधन बना इंडिया का, अब देखो क्या होता है, 2024 देखेंगे। ये बार बार भाजपा की सरकार और भाजपा के तमाम मंत्री ये भी दावे करते हैं, आरोप लगाते हैं कि आपने नाम इंडिया रख दिया, इंडिया से कोई जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, आप जो है कहीं ना कहीं इस इंडिया नाम के पीछे वही लोग। भाई ये एक पॉलिटिक्स है, ये चलती रहेगी, हर आदमी की अपनी राय होती है, इंडिया में क्या नुकसान है भाई, इंडिया में तो रह रहे हैं हम, इंडिया नाम से क्या क्या बुराई है इसके अंदर, अगर इंडिया नाम उन्होंने लिया है तो क्या बुराई है इसके अंदर, भाजपा भी ले सकती है इंडिया, इंडिया का इंडिया कर सकती है, कौन रोक रहा? अच्छा आपको देखिए क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए 26 दलों में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, अरविंद केजरीवाल हो गए, एम के स्टालिन हो गए, ममता बनर्जी हो गई, शरद पवार हो गए, बड़े बड़े नाम शामिल हैं इनमें, ये लगातार जो दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा से लोग परेशान थे, इसलिए हमको जो है गठबंधन करना पड़ा, भाजपा आरोप लगा रही है कि भाई केजरीवाल एक टाइम पे बच्चों की कसम खाते थे कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि करना पड़ रहा है? देखो गठबंधन सब करते हैं, गठबंधन सारे करते हैं, अपने मतलब के लिए सारे करते सब करते हैं गठबंधन, ऐसा कुछ नहीं है, बस सब सब करते हैं। हाँ इन सर चाचा की सुने आप, एक मिनट सर, सर आपने अभी केजरीवाल की बात करी, ये मेरे भाई हैं, मेरा भी इनका झगड़ा हो जाता है, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ मैं इनसे नहीं बोलूँगा, लेकिन कल ये बीमार हो जाते हैं फिर हम दोनों एक हो जाते हैं या नहीं हो जाते, तो हर कुछ स्वार्थ नहीं होता, कई बार सिचुएशन, अरविंद केजरीवाल बुरे आदमी नहीं है, अगर उनको किसी कारणवश अगर वो कांग्रेस से गठबंधन भी करते हैं लेकिन वो देश तो वो देश का तो लेकिन नुकसान नहीं करे, देश का तो वो फायदा। तो आपको लग रहा है कि 26 दलों के गठबंधन में जो ये अरविंद केजरीवाल सरीखे कहीं और भी नेता है जो कई सूबों के मुख्यमंत्री है, लग रहा है कि इनका जो दावा है उखाड़ फेंकने का भाजपा को सफल हो पाएगा? देखिए मैं केजरीवाल को तो सपोर्ट करूंगा लेकिन बाकियों को सपोर्ट नहीं करूंगा। ये क्या बात, वही हो गया ना, केजरीवाल को सपोर्ट करूंगा क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए काम किया है, करके दिखाया है, पंजाब में उसकी सरकार बढ़िया से चल रही है, लेकिन
और आप अरविंद केजरीवाल ले लीजिए, ये आपका नीतीश कुमार ले लीजिए या वो मुलायम सिंह। आप अगर केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा, उनकी जो आपने कहा कि परिस्थिति होती है, परिस्थिति को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे फिर आप? परिस्थिति देखिए, केजरीवाल अपना काम करेंगे, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, वो हेड पे आते हैं, वो लीड पे आते हैं, वो अपना काम करेंगे, वो करप्ट नेता नहीं। तो ये गठबंधन की बात है ना, जब गठबंधन की बात आती है तो यही है कि आधा आपका आधा मेरा आधा आधा करके तो बात होती है। यहाँ परिस्थिति अगर है तो आपको सपोर्ट उनको भी करना चाहिए, राहुल गांधी भी, ममता बनर्जी भी, एमके स्टालिन भी। देखिए एक एक बाप एक एक बाप है, वो इंजीनियर है, बेटा चोर है, लेकिन वो फिर भी उसको घर से तो नहीं निकाल सकता ना, वो उसको घर से नहीं निकालेगा, वो अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। अगर कहीं मजबूरी होगी तो वो केजरीवाल उनका साथ लेंगे, लेकिन जहां उनको लगेगा कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू वो वाली बात कर रहे हैं। नहीं, मीठा 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 गप गप वाली बात नहीं है, जहां केजरीवाल को लगेगा कि मेरे साथ नाजायज हो रहा है तो वहाँ वो सत्ता के लालची नहीं है। अच्छा, मतलब नहीं नहीं, यहाँ फिर तो स्वार्थ की बात आ गई कि अच्छा यहाँ मेरे साथ राजनीतिक रूप से सही नहीं हो रहा है तो मैं हट जाऊँ, वो बात कर रही है। पहले बच्चों की कसम खाई थी, अब साथ में आ गए, परिस्थिति की बात कर रहे थे आप। परिस्थिति मैं भाई वही तो बात करूँ कि परिस्थितियाँ ही होती हैं जो आदमी को कई बार बदल देती हैं, लेकिन वो अंदर से कैसा है ये भी तो देखो ना। अभी क्या लग रहा है 24 का जो गठबंधन है विपक्ष का, 26 दलों का, जिसमें आपके केजरीवाल, परिस्थिति वाले केजरीवाल और बाकी जो तमाम अलग अलग दल है, क्या वो हटा पाएंगे मोदी को? मोदी जी का तो, मोदी जी तो बहुत ऊपर है, इनका तो बहुत लंबा दिन रात का डिफरेंस है। मैंने केजरीवाल को सपोर्ट किया, नॉट इट मीन्स नॉट कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने तो अपने, मोदी जी ने काम करके दिखाया है, ऐसी बात नहीं है। कंफ्यूज लग रहे हैं, आप क्यों लग रहा हूँ? मैं केजरीवाल खुद नहीं पता है, इनके लिए खुद नहीं पता है कि वो मोदी जी सत्ता में आएंगे या केजरीवाल। केजरीवाल साहब तो सबसे बड़े सत्ता के लालची हैं। और आपके केजरीवाल तो मोदी को पानी पी पी के गाली दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वैसे ये सही है। उसके बाद में ये अन्ना हजारे के साथ में जब धरने पर बैठे थे, बोले ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना भ्रष्टाचार के लिए रोकेंगे, लेकिन इनकी सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ। ये मोदी भी कह रहे हैं कि 26 दलों में है जो है, जो जो जितना भ्रष्ट है वो उतना ही ऊपर जा रहा है। मोदी जी कहाँ दूध के धुले हैं, मोदी जी भी तो दूध के धुले नहीं है। तो आप वोट किसको करना चाहते हो? वोट किसे कर रहे हैं फिर आप 24 में? क्या 24 में कोई भी पीएम हो सकता है, लेकिन मोदी जी तो मेरे को लगता है सत्ता में नहीं आने वाले, क्योंकि कल जो लाल किला के प्राचीर से उन्होंने स्पीच दी है, वो शायद मीडिया के लिए और शायद मैं समझता हूँ भारत के हर नागरिक के लिए पता है। उन्होंने कहा है मोदी है तो राष्ट्र है। क्या मोदी जी से राष्ट्र है? है मोदी जी से राष्ट्र? अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आपका अनुभव भी है, क्या लग रहा है इस बार सियासी लड़ाई जो है गठबंधन वर्सेस गठबंधन की है, कौन भारी पड़ रहा है? इंडिया गठबंधन भारी पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन भारी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। 26 दल भारी पड़ रहे हैं। 26 दल उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 24 में जनता ने फैसला कर लिया है, उखाड़ देंगे, उखाड़ देंगे। और अभी तो 26 हैं, अभी तो 26 हैं। बम्बई में जो अभी अगस्त में मीटिंग हो रही है उसमें और दल जुड़ेंगे, अभी बहुत बहुत दल आ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन, ये मोदी को रावण कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जो है वो रावण है, मोदी को, मोदी जो है वो रावण है। दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह की या फिर अडानी की। बिल्कुल राइट, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ये तो जनता भी देख रही है और आपको, हम मीडिया वाले हैं, हमसे ज्यादा आपको पता है, बहुत क्लियर है, वो रावण से भी बड़े रावण हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको जो गठबंधन बना है राहुल गांधी के नेतृत्व में और बाकी जो तमाम पार्टी है, क्या वो हावी हो पाएगी पीएम मोदी पर और भाजपा? नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी का काम अच्छा है इंटरनेशनल लेवल पर, थोड़ा अभी यहाँ पे है रिलीजन के ऊपर ही चल रहा है अभी हिंदू मुस्लिम थोड़ा, तो इस वजह से थोड़ा हो सकता है डाउन, बट होगा नहीं मुझे जहाँ तक लगता है। अच्छा, मतलब 24 के चुनाव में आपको लग रहा है कि मोदी सरकार ही रिपीट होने वाली है? हाँ लगता है मुझे ऐसा। तो विपक्ष जो लगातार दावे कर रहे हैं कि मुखाड़ फेंक देंगे मोदी को, उनकी विचारधारा को, लग रहा है वो सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं लगता अभी के माहौल में। राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर अगर बात की जाए तो? ठीक हैं वो भी, कोई मतलब सही लगते हैं मुझे वो भी, बट मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा कर रहे हैं। अगर विकल्प की बात करें तो बार बार ये कहा जाता है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, आपने भी सुना होगा, राहुल गांधी क्या मोदी का विकल्प बन सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं अभी तो नहीं लगता नहीं बन सकते हैं, अभी थोड़ा और प्रोसेस की जरूरत है। तो कहते हैं कि मैं युवा नेता हूँ, मैं भारत जोड़ो यात्रा करके आया हूँ, आपको मालूम होगा, लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि बदली है? अभी मेहनत चल रही है बट अभी हो नहीं सकता, बट आगे सोच सकते हैं अगर अच्छा हो, अगर मोदी जी की साइड से कुछ थोड़ा डिफरेंट आए
तो उसके बेस पे हम सोच सकते हैं, बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं लगता। अच्छा, महिलाओं को लेकर बार बार बात की जाती है, विपक्ष जो है वो तंज कसता है कि भाजपा राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मोदी गवर्नमेंट कहते हैं कि हमने जितना काम किया महिलाओं को लेकर उतना आज तक नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? सर अभी जैसे केसेस आ रहे हैं, जैसे अभी शाबाद डेयरी पर हुआ था, साक्षी नाम था आई थिंक उस लड़की का, तो उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ एक्शन लिया गया है, तो अभी थोड़ा लगता है कि सेफ्टी नहीं है।